मुझे लग रहा था नाश्ते के लिए कुछ निकाल लेता हूँ। खाने का सामान बहुत लाया था मैं, थेपला वेपला, लेकिन चक्कर पड़ जाता है ज़्यादा सामान लिया हो तो। इसमें चटनी गिर गई, ये वाली चटनी खुल गई, ये वाली चटनी, क्या क्या गंदा हुआ पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। किसी भी जगह की असली सुंदरता सुबह ही दिखती है, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज होने से पहले। और कल तो थक गया था, जल्दी भी सो गया था, इसलिए जल्दी भी उठ गया। बर्चेस गार्डन ऐसा कुछ नाम की जगह है, कल सीखने की कोशिश करी थी। और माउंटेन से घिरी हुई जगह है, यहाँ के दो लेक काफ़ी फेमस है, तीन चार जगह है यहाँ पे अच्छी, बट सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, और वही एक्सप्लोर करेंगे आज। सुबह सुबह वॉक करते हैं इस टाउन में, देखते हैं कैसा है। कल तो अंधेरा हो गया था आते आते, पीछे ऐसा बादल वादल दिख रहे हैं, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, अभी भी समर्स चल रहे हैं यहाँ जर्मनी में और यूरोप में। ये भी एक कारण था कि मैंने थोड़ा डिले किया था अपना ट्रिप, मेरा वीज़ा तो 6 अगस्त से वैलिड था, लेकिन मुझे लगा उस टाइम तो हीट वेव चालू थी यहाँ पे, इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, ड्रॉट वॉट पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अब सेप्टेम्बर में अच्छा वेदर होएगा ऐसा लग रहा है। ये है वो लेक जो मैं बता रहा था कि यहाँ का फेमस लेक, कोनीसी ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, वहाँ भी जाना तो है ही, आप किस टाइम जाते हैं देखते हैं। कल एक जो हॉस्टल मिली थी वो तो यहाँ से वॉक करते हुए चली गई थी, लेकिन 1 घंटा लगता है वॉक करने में, अपने पास तो कार है। ये एग्जैक्ट नाम है इसका, बर्चेस गार्डन, और ये जगह बिल्कुल अगर मैप में देखोगे तो ऑस्ट्रिया और जर्मन के बॉर्डर पे है, और शार्ल्सबर्ग बहुत पास है यहाँ से, मेरे ख्याल से 1-2 माउंटेन पीछे ही है, 15 किलोमीटर ही है यहाँ से। तो लोग या तो वहाँ रुक के यहाँ डे ट्रिप करते हैं, यहाँ रुक के वहाँ डे ट्रिप करते हैं। माउंटेन्स आसपास है तो चढ़ाई बहुत है यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि मैं वैसे तो प्लान नॉर्वे स्वीडन का था इस बार, कि वहाँ जाता हूँ, वो एक्सप्लोर करता हूँ, वो वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने सर्च किया तो पता पड़ा कि सितंबर का जो मंथ है सबसे ज़्यादा रेनी सीज़न होता है नॉर्वे के लिए, और सही नहीं है इतने बारिश वारिश में जाना, क्योंकि वैसे भी माउंटेन्स और ये सब बहुत है, रोड ट्रिप करना बेस्ट है नॉर्वे को एक्सप्लोर करने के लिए। सो देन आई थॉट कि चलो ये वाला पार्ट देखते हैं इस बार, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया, जहाँ भी गाड़ी मुड़ जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा देखा हुआ नहीं था पहले। चलो चलते हैं हॉस्टल और कुछ और नहाते वहाते हैं और फिर और घूमते हैं गाड़ी वाड़ी से। होस्टल के नज़ारे हैं, ट्रेन स्टेशन पीछे है, यहाँ से पीछे है माउंटेन्स। तो अब निकलते हैं, नहा धो के घूमते हैं थोड़ा टाउन, लेक के आसपास चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है टाउन में, 3-4 चीज़ें तो शॉर्टलिस्ट करी है। ओके सो आई हैव अ कंपनी विद मी, सो सोलो ट्रिप इज नो मोर बोरिंग फॉर मी। No more boring. Boring. Yeah. Yes, I am. But we're very boring. No, I don't think so. So we are going to a lake, right? I will put it on map. The camping site where we go. Okay, and then you can put it on the map. Ah, yes, okay. Camping ground aaye the yahan par pata karne ke liye camping ki jagah hai ki nahi, in dono ko dekhna tha ye, aur ye lake ke theek baju mein camping ground. तो हो सकता है होस्टल से कल परसों चेकआउट करके कैंपिंग का ढूंढना पड़ेगा, सो दिस इज अ नाइस ऑप्शन। बेल्जियम से है दोनों वो लड़कियाँ, वो अंदर पता करने के लिए कैंप साइट के बारे में अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके पास में ये नहर बह रही है तो थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ नहर में। But what's the cost of this thing? I have no idea. I'm sorry? Actually. Did you ask for the price? Yeah, we didn't ask. We were just happy that we can take our money. I think it's going to be around 30? 35 30 for two euro. People? Camping ka acha concept hai. Kuch 30 euros ka hai ye campground per person. Do person ho to kuch...
40 यूरोस का पड़ता है. आपको अपने टेंट चाहिए लेकिन, वरना फिर कैंपर वैन चाहिए स्टे करने के लिए. तो अब मेरे पास टेंट भी है तो अगली बार मैं स्टे कर सकता हूँ कैंपिंग ग्राउंड में यहाँ से निकल के. बाय. मस्त है कैंपिंग का भी कॉन्सेप्ट. एक्चुअली मैंने देखा था ये प्लेस रुकने के लिए उस टाइम भी, तो मुझे लगा स्टार्टिंग में थोड़ा हॉस्टल में रुकते हैं और कार कौन सी मिलने वाली थी वो सब भी पता नहीं था. तो अब कार का हो गया जुगाड़, टेंट ले लिए, तो अब अगली डेस्टिनेशन में कैंपिंग ग्राउंड ही होने वाला है. और ये कैंपिंग ग्राउंड का नाम जो है मैं नीचे लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में. काफ़ी अच्छा है, इस लेक के बाजू में स्ट्रीम बह रही है इधर और पूरा वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है इधर से उधर तक. अभी जा रुका हूँ उस हॉस्टल का भी नाम और डिटेल डिस्क्रिप्शन में देता हूँ. वो मुझे कुछ 25 यूरोस के आसपास का पड़ा पर नाइट. और जैसे इंडिया में 500 रुपये से हॉस्टल स्टार्ट होते हैं और 1000 रुपये में बहुत अच्छे हॉस्टल मिलते हैं, तो यहाँ हॉस्टल की स्टार्टिंग रेट 2000 रुपये से रहती है. और सस्ते से सस्ता होटल भी 2000 रुपये का तो रहना ही है, वैसा वाला सीन है यहाँ. तो अब निकलते हैं यहाँ से और लेक यहाँ से बहुत पास है, कौनी सी वहीं चलते हैं. 10 मिनट का रास्ता है, लेक देखते हैं, वहाँ देखते हैं आसपास है क्या. हाइकिंग का भी आसपास अच्छा बना हुआ है वो देखते हैं.